ओके सो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू डार्क स्कैरी फोटो एडिटिंग, जो कि गाइस आपने थंबनेल में भी देख ली होगी। एंड जो भी स्टॉक वगैरह मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगा सभी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड मैं कर दूँगा, तो आप लोग जो वीडियो को देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले गाइस आप लोग जो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना अभी गाइस, पहले वीडियो को देख लो अच्छे से समझ लो फिर जाकर डाउनलोड करना, ठीक है? अभी देखिए सबसे पहले आपको करना क्या, ऐड फोटो में जाना है एंड यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ से हमने जो मॉडल को ऐड कर लिया है। मॉडल को ऐड कर लेने के बाद आप लोगों को सिंपली बीच में कुछ स्टेप्स ऐसे रख देना है एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ से इरेजर टूल में जाना है आपको अपने मॉडल को सिलेक्ट करके एंड यहाँ से जो है आपको ओपेसिटी हार्डनेस कम करके साइज़ को इंक्रीज करके जो साइड से हल्का हल्का रिमूव कर लेना है, ठीक है? वो किस लिए करना वो मैं आपको आगे पता चल जाएगा और आपको मैं आगे बता दूंगा, ठीक है? तो ऐसे से हम रिमूव कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली ऐड फोटो में चले जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ से ऐड करना है स्मोक का PNG, ठीक है, ये वाला। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, आप इसको यहाँ पे कर देना है स्क्रीन। स्क्रीन कर लेने के बाद थोड़ा साइज को इंक्रीज करके कुछ स्टेप्स आप सभी को रख देना है एंड इतना कर देने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आप अपनी फोटो को जो है डन कर देना है, ठीक है गाइस? इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ से सिंपली आपको चले जाना है यहाँ से ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद आप लोगों को करना है क्या, यहाँ पे सबसे पहले गाइस आप लोग अपनी लेयर को सिलेक्ट करके रखना है एंड यहाँ पे ब्रश में जाना है। ब्रश में जाने के बाद आपको ब्लैक कलर का जो है ये कलर सिलेक्ट कर लेना है एंड ब्रश में जाना है। ब्रश में जाने के बाद आप लोगों को सिंपली इसका जो साइज़ है इसको छोटा कर लेना है एंड इसको साइज़ को जो अराउंड रख लेना आपको 3 या 4 तक। फिर इसके बाद आपको अपनी फोनी फोटो को जूम करना है एंड फोटो को जूम करने के बाद आपको अपने आई के ऊपर जो इस तरीके से फिल कर देना है इसको। तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को फोटो को अपनी डन कर देना है एंड अगेन आप सभी को ड्रॉ टूल में चले जाना है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद आप लोगों को करना है गाइस, यहाँ पे आप लोगों को जो इसकी साइज़ को जो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मतलब छोटा कर लेना, अराउंड 3 तक ही रखना है वैसे तो, बट यहाँ पे 4 पे एक बार चेक कर लेते हैं तो ज़्यादा साइज़ मोटा लगा, ज़्यादा बड़ा ना लगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो हम इसका साइज़ 1% और कम कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ स्टेप ऐसे ड्रॉ करना है इस तरीके से, ठीक है? एंड उसके बाद आप लोगों को जब इतना काम हो जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पे मतलब आई के ऊपर से इस तरीके से ड्रॉ करना है कि वो पता नहीं लगना चाहिए कि आपने ड्रॉ किया, ठीक है? ऐसा लगना चाहिए कि जो आपकी आँख से जो है ब्लैक ब्लैक कर ब्लैक कलर की जो है ये कुछ निकल रहा है आपकी आँखों से, ठीक है? तो इस तरीके से आपको कर लेना है एंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उनको आप रिमूव कर लेना। तो जैसे कि यहाँ पे हम रिमूव कर लेते हैं इरेजर टूल को सिलेक्ट करके, ठीक है? तो यहाँ पे इतना हो गया हमारा और इसको भी हम आगे से यहाँ पे कर लेते हैं एंड इसको बाकी का इसका जो है रिमूव कर लेते हैं और नीचे की साइड में एक लाइन और ड्रॉ करनी है हमें। तो यहाँ से हम इसका 1% बढ़ा लेंगे यहाँ पे इस तरीके से एंड बीच से जो जो लाइन मोटी सी हो गई है इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे। परफेक्ट है। अब इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे जब आपके इतना काम हो जाएगा तो आपको इसको ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है एंड इसको यहाँ पे कर देना ओवरले एंड ओवरले कर लेने के बाद आपको इसकी ओपेसिटी जो है कम कर लेना है, ज़्यादा बड़ा मतलब ज़्यादा ओपेसिटी नहीं रखनी है। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। तो अराउंड मैं इसकी ओपेसिटी रखूँगा 19 तक, ठीक है? 88 तक यहाँ पे रख लेता हूँ मैं फिलहाल और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ़ोटो कर लेंगे डन। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ से आपको फिर जो चले जाना है एक बार ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद एक इंजरी का एक जो PNG ले लेना है वाला, ठीक है? एंड इसको जो है आपको जिस टाइप से यहाँ पे जो अपने आईब्रो के पास इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है एंड इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके यहाँ पे मल्टीप्लाई रख देना है। ओवरले भी रख सकते हो बट यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई रख रहा हूँ और उसका जो है ओपेसिटी वगैरह हम यहाँ पे कम कर लेंगे। यहाँ पे इसका ओपेसिटी यहाँ पे इतना रख लेते हैं और इतना हो जाने के बाद आप लोग फिर क्या करना है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो वीडियो को यहाँ पे फोटो को डन कर देना है फिलहाल। तो फिर उसके बाद आप लोगों को जो है ऐड फोटो में जाना है, एक यहाँ पे पर्टिकुलर PNG ऐड करना है, ठीक है? तो और जो भी मैं ये मटेरियल वगैरह यूज़ कर रहा हूँ सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना बाद में जाके। बाकी इसका साइज़ जो इसके इन्हें थोड़ा बड़ा करके रखना है और यहाँ पे ओपेसिटी चाहो तो थोड़ी कम कर लेना ज़्यादा लगे तो। और यहाँ पे हम जो फोटो को यहाँ पे डन कर लेते हैं। इसके बाद इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, जब इतना हो जाएगा तो आपको फोटो को सेव करके यहाँ पे लेके चलना है Lightroom ऐप में। वहाँ पे जो रीटच करके हम इसको और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाएंगे। तो फोटो हम डायरेक्ट लेके चलते हैं यहाँ पे। पहले इसकी हम लाइट को करेक्ट करेंगे। तो लाइट को करेक्ट करने से पहले जो इसकी जो हाइलाइट्स है इसको हम थोड़ा कम कर देंगे, वाइट है जिसको भी कम कर देंगे, ब्लैक्स को कम कर देंगे और फिर यहाँ पे जो है कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। और यहाँ से चलते कलर्स में, पहले इसका वाइब्रेशन बढ़ा लेंगे, फिर उसके बाद मिक्स टूल में चलेंगे और ऑरेंज कलर लेंगे, उसका सैचुरेशन पहले कम करेंगे और जो ल्यूमिनस है इसको बढ़ा देंगे।
फिर उसका क्या करेंगे, यहाँ से येलो कलर लेंगे, इसका ह्यू माइनस करेंगे और इसके बाद ल्यूमिनस भी थोड़ा सा। फिर उसके बाद ब्लू कलर लेंगे, इसका ल्यूमिनस कम कर देंगे और सैचुरेशन कम कर देंगे। और इतना हो जाने के बाद आप लोग फ़ोटो को डन कर देना है। फिर चल जाना नीचे वाले टूल में, फ़ोटो की जो है क्लियरिटी बढ़ा देना है एंड यहाँ पे फ़ोटो में जो है विगनेट डाल देना अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद जो यहाँ पे फीदर है इसको 100% कर देना है। और इसके बाद जो है यहाँ से चलते नीचे वाले टूल में, फ़ोटो की शार्पनेस बढ़ा लेंगे ताकि फ़ोटो जो हमारी HD क्वालिटी में हो जाए एंड नोटोक्शन थोड़ा सा बढ़ा देता है। एंड फाइनली हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो, पसंद तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तो तक ले गुड बाय।